गाइस, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है। इन मैन गैस एक्सचेंज बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द बॉडी टेक्स प्लेस इन, ऑप्शंस आर ब्रोंकाई, लैरिंग्स, अल्वियोली या ट्रेकियाई। 10 सेकंड का टाइम लीजिए स्टूडेंट्स, और प्लीज जाकर आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जाइए स्टूडेंट्स, यू गॉट 10 सेकंड्स टाइम। All right, students, आप लोगों का टाइम खत्म हो गया है। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड द आंसर इज बच्चा आपका एल्वियोली। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट है। देखिए, ये एक एल्वियोली का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है बच्चा? एल्वियोली का डायग्राम है। हम जानते हैं एल्वियोली कहाँ प्रेजेंट होता है? लंग्स में। लंग्स में, हमारे हर एक लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं, राइट? मिलियंस ऑफ एल्वियोली आर प्रेजेंट देयर फॉर, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। और यही बच्चा वो सरफेस है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। एल्वियोली के लेवल पर ही आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, और इसीलिए आपका आंसर क्या आएगा? थर्ड, दैट इज एल्वियोली, बिकॉज इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। और डिफ्यूजन के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पर क्या होता है? गैस का एक्सचेंज। आगे बात करते हैं बच्चा बाकी के ऑप्शन का। इस क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन जो एल्वियोली करेक्ट है, उसके अलावा तीन गलत ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। फर्स्ट है ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई में बच्चा सिर्फ एयर जो है वो ट्रैवल करती है, वहां पर गैस का एक्सचेंज नहीं होता है। गैस का एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ बच्चा? O2 एंड CO2 का आपस में एक्सचेंज होना। जो आपका ब्लड है बच्चा, जो आपका ब्लड है वो ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करता है, एक तो टिश्यू के लेवल पे, एक टिश्यू के लेवल पे। और जो आपकी एयर है बच्चा, वो ऑक्सीजन और CO2 को क्या करती है? एक्सचेंज करती है एट एल्वियोली के लेवल पर। तो एल्वियोली के लेवल पर एक्सचेंज करने वाला पार्ट होता है एयर, और टिश्यू के लेवल पर एक्सचेंज करने वाला पार्ट होता है आपका ब्लड। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके अलावा जो आपका लैरिंग्स है, जिसे आप क्या कहते हैं बच्चों? वॉइस बॉक्स। इसको हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, वॉइस बॉक्स। और फिर आपका है ट्रेकिया। ट्रेकिया आपका बच्चा क्या है? ये आपके विंड पाइप को बोलते हैं। आप ट्रेकिया अपनी विंड पाइप को बोलते हैं, और यहाँ पर आपकी एयर ट्रैवल करती है, जस्ट लाइक योर ब्रोंकाई एंड योर लैरिंग्स। तो बच्चा आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इज आस्किंग, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट कम्स टू लंग्स वाया। ऑप्शंस आर पल्मरी वेन, सिस्टमैटिक वेन, पल्मरी आर्टरी और सिस्टमैटिक आर्टरी। 10 सेकेंड का टाइम है बच्चों आपके पास, जाकर फटाफट से आंसर कीजिए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आपका 10 सेकेंड का टाइम हुआ खत्म। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट कम्स टू लंग्स वाया। ऑप्शन देखते हैं बच्चा क्या है। याद रखेंगे ब्लड कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड। कहां से आ रहा है? हार्ट से आ रहा है। और कहां जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। हार्ट से डीऑक्सी ब्लड लंग्स की तरफ कैसे जाता है? पल्मनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू। ये बच्चा मैं डायग्राम से आपको समझाना चाहूंगी। आप ये देखिए, जो ब्लू वाली आपकी वेसल्स हैं, ये कौन सी वेसल्स हैं? ये डीऑक्सी वेसल्स हैं। ब्लू वाली वेसल्स हमेशा डीऑक्सी होती हैं, और रेड वाली हमेशा ऑक्सीजिनेटेड। अब आप देखिए, ये है आपकी पल्मनरी आर्टरी, ये है आपकी पल्मनरी आर्टरी, जो किससे कनेक्ट है? इस ब्लूइश कॉर्ड से कनेक्ट है। तो ये कैसा ब्लड लेके जा रही होगी बच्चा? ये ऑफकोर्स आपका डीऑक्सी ब्लड लेके जा रही होगी, है ना? और ये देखिए, ये लेफ्ट वाली जो पल्मनरी आर्टरी है, ये लेफ्ट वाली बच्चा जो पल्मनरी आर्टरी है, ये ब्लड लेकर जा रही है। इट इज ब्लड टेकिंग अवे, वो भी कौन सा वाला? डीऑक्सी। डीऑक्सी ब्लड जो आपकी लेफ्ट वाली पल्मनरी आर्टरी है, इट इज टेकिंग अवे फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। और जो आपकी राइट वाली पल्मनरी आर्टरी है बच्चा, इट इज ऑल्सो टेकिंग अवे द ब्लड। ऑल राइट बच्चा, तो जो आपकी पल्मनरी आर्टरी है वो क्या कर रही है? डीऑक्सी ब्लड लेके जा रही है। तो आप याद रखेंगे, आप एक बहुत सिंपल सा फिनोमेना याद रखेंगे, दैट ऑल आर्टरीज, आपकी सारी की सारी जो आर्टरीज हैं, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट बच्चा, एक्सेप्ट कौन सी? योर पल्मनरी आर्टरी। ये बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। सिमिलरली बच्चा, हम लोग ये बात भी यही याद कर लेते हैं, दैट ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सी ब्लड, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सी ब्लड
एक्सेप्ट फॉर मी, कौन सी बच्चा, पल्मोनरी वेन, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑल राइट तो बच्चा यहाँ पे आपका ये टॉपिक तो एटलीस्ट हमने कवर कर लिया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अ मैन रेस्पायर्स अबाउट, ऑप्शंस आर 40 टाइम्स पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट या 100 टाइम्स पर मिनट। चलिए बच्चा 10 सेकंड का टाइम दीजिए, फटाफट से जाइए और जवाब दीजिए। कम ऑन स्टूडेंट्स, दिस इज अ मॉक टेस्ट, आप जाइए और जवाब दीजिए। चलिए बच्चा इसका हम जवाब देखते हैं। जवाब है बच्चा इसका 12 to 16 टाइम्स। आपको पता है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग 12 से 16 टाइम पर मिनट क्या करता है बच्चा, ब्रीद करता है। पर मिनट क्या करता है, ब्रीद करता है। बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है, लर्निंग बेसिस चीज है कि 12 से 16 टाइम ब्रीद करता है एक मिनट में एक इंसान ड्यूरिंग रेस्ट। रेस्ट का मतलब या तो जब आप बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं या फिर जब आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करने लगे। आप एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात करें तो 12 से 16 टाइम्स पर मिनट जो है आपका हार्ट रेट चल रहा होता है। आगे बच्चा बात करते हैं 29th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। योर ऑप्शंस आर स्टूडेंट्स ब्रीदिंग, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, अपना 10 सेकंड का टाइम दीजिए। ऑप्शंस मैंने आपको पढ़ के सुना दिए हैं, जाकर फटाफट से जवाब दे दीजिए, है ना। जवाब 1, 2, 3 या 4 आपको कोई एक ऑप्शन लिख कर आनी होती है कॉमेंट सेक्शन में। बिगिन विद द आंसर, देखें जरा क्या इसका सही आंसर है। ऑप्शन बच्चा फर्स्ट आपका सही आंसर है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग आपका एकदम सही आंसर है। तो जिन बच्चों ने ब्रीदिंग आंसर दिया है, वेरी गुड बच्चा। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। पूछा है रेस्पिरेशन में इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है। देखो बच्चा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ना हम दो स्टेप्स पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं ब्रीदिंग, एक हम लोग पढ़ते हैं क्या बच्चा, ब्रीदिंग, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेशन। तो बच्चा ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, मतलब देख लेते हैं क्या होता है। ब्रीदिंग का मतलब नीचे आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन में। ब्रीदिंग इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग गैसेस, व्हाइल्स्ट रेस्पिरेशन इज केमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट अ सेल्यूलर लेवल एंड प्रोड्यूस एनर्जी। क्या मतलब हुआ बच्चा इसका, ब्रीदिंग ये वाले टाइप पे ब्रीदिंग लिखा हुआ है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है बच्चा। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जैसे आप बैठे हुए हो, आप सांस अंदर ले रहे हो और सांस बाहर छोड़ रहे हो, ये प्रोसेस ब्रीदिंग कहलाता है बच्चा। सांस का इन एंड आउट, द इन एंड आउट ऑफ एयर फ्रॉम योर माउथ बच्चा एंड योर नोज इज नोन एज सिंपल ब्रीदिंग, ठीक है, उसको ब्रीदिंग कहेंगे। अब ये हवा हम जो अंदर ले रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, और जब बाहर हवा आ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। ये चीज अंदर कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, ऑक्सीजन और CO2 कैसे एक्सचेंज कर जा रहे हैं हवा में, इस चीज को बच्चा रेस्पिरेशन कहते हैं। और रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, अनलाइक योर ब्रीदिंग इट इज अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है। इसमें बेसिकली याद रखेंगे बच्चा, यही वो प्रोसेस है जिसमें हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी ऑब्टेनिंग प्रोसेस जो है वो आपका रेस्पिरेशन है, ठीक है। जो आपका एनर्जी ऑब्टेनिंग प्रोसेस है बच्चा वो आपका रेस्पिरेशन है। इसीलिए ये केमिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है बच्चा, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, तो बॉन्ड ब्रेक करके ही हमें एनर्जी होती है ऑब्टेन, और इसमें बॉन्ड मेक भी होते हैं, बॉन्ड मेक भी होते हैं। इसीलिए ये कैसा प्रोसेस है, ना कैटाबॉलिक ना एनाबॉलिक बल्कि एम्फीबॉलिक। ये प्रोसेस एम्फीबॉलिक है, ठीक है बच्चा, तो ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ब्रीदिंग मूवमेंट इन मैमल्स। योर ऑप्शंस आर एब्डोमिनल मसल्स, लारिंग्स, रिब्स और डायाफ्राम। चलिए बच्चा टेक योर 10 सेकंड टाइम। आधे से ज्यादा क्वेश्चन हम ये वाला पीछे डिस्कस कर चुके हैं और अब थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है वो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाना चाहिए, तो मैं चाहूंगी आप अपना टाइम लें और जाकर जवाब दें। ऑल राइट बच्चा, सही आंसर है आपका रिब्स। योर करेक्ट आंसर इज रिब्स। क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा क्या है।
क्वेश्चन है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ब्रीदिंग मूवमेंट, जो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा ब्रीदिंग मूवमेंट में. देखो बच्चा, ब्रीदिंग मूवमेंट क्या होती है, इन एंड आउट ऑफ एयर, राइट, इन एंड आउट ऑफ एयर. अब आप जानते हैं कि रेस्पायरेशन जो होती है वो केमिकल प्रोसेस होती है, राइट, वो केमिकल प्रोसेस होती है. इसमें से कौन सी वो आपकी मसल है जो नहीं एक्ट करेगी इन द ब्रीदिंग मूवमेंट. अब डोमिनेंट मसल्स करेंगी बच्चा, अब डोमिनेंट मसल्स जो है वो जो फोर्सफुल इंस्पिरेशन होती है उसमें हेल्प करती है. लैरिंग्स आपके वो एज अ एयर पैसेज काम करता है, एज अ एयर पैसेज काम करता है. आपका जो डायाफ्राम होता है बच्चा वो भी हेल्प करता है. डायग्राम इज गोइंग टू हेल्प. द ओनली स्ट्रक्चर दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इज योर रिब्स. रिब्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प इन द ब्रीदिंग मूवमेंट, ठीक है, इन द ब्रीदिंग मूवमेंट. आगे बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को लेकर. कार्टिलेजिनस रिंग्स इन ट्रेकिया आर इनकम्प्लीट एट विच सर्फेस. योर एग्जाम ऑप्शन आर डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल या फिर वेंट्रो लेटरल. क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉमन है, आपको पता होना चाहिए. दो चैप्टर्स का क्वेश्चन बनता है ये. Take your 10 second time and answer it. Take your 10 second time, students, and answer the question in an appropriate manner. Chaliye, students, aap log sahi jawab dijiye. So let us begin with the answer now. Let's see ki answer kya hai. Pucha hai cartilaginous jo ring hai trachea ki, wo kaun si surface par jaakar incomplete ho jati hai. To answer rahega bachcha dorsal. Piche wali side par aapki cartilage ki ring kya hoti hai, incomplete. Dekhiye bachcha, ye rahi aapki trachea, ye rahi aapki trachea. ये ट्रेकिया जो है ये आगे से कवर्ड है कार्टिलेज की रिंग से, जिसको सी शेप कहते हैं, कुछ इस तरीके से, ऐसे करके. ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पर सी ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसे करके आप देख सकते हैं. ये सी अगर इसे सीधा करके बना दो तो ऐसे बन जाएगा. ये जो सी है, इस शेप के कार्टिलेज के रिंग्स जो हैं यहाँ प्रेजेंट होती हैं. अब आप जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो इसोफेगस है, जो आपका इसोफेगस है, यानी कि आपकी जो फूड पाइप है बच्चों, इसोफेगस इज लोकेटेड. इसोफेगस कहाँ लोकेट करती है, टू द डॉर्सल साइड ऑफ दी, टू द डॉर्सल साइड ऑफ द ट्रेकिया. अब आप खुद कॉमन सेंस लगा के बताइए कि अगर ट्रेकिया के पीछे ये कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होगी तो वहां पर इसोफेगस कैसे रहेगी. इसीलिए पीछे से ये इनकम्प्लीट हो जाती है, जगह छोड़ देती है, सो दैट इसोफेगस कैन अकोमोडेट देयर. तो देखिए, इसको अगर मैं जूम इन करके देखूं तो ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है बच्चा, ये स्ट्रक्चर आपका कार्टिलेज का रिंग है, और पीछे जहां स्पेस छोड़ी हुई है ये वही स्पेस है जहां पे ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है दैट कार्टिलेज रिंग इज एक्चुअली एब्सेंट. यहाँ पर जो कार्टिलेज की रिंग है वो एब्सेंट है. सो दिस इज हाउ बच्चा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डॉर्सल आएगा. एंड आई होप आप लोगों को सही आंसर पहले से आता होगा. नहीं आता होगा तो अभी समझ में आ गया होगा, एंड यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट योर मिस्टेक इन योर एग्जाम्स, ठीक है. आगे बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे. क्वेश्चन नंबर 31 पे जाने से पहले बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज दिस कि जो बच्चे इस टाइम अभी तक अपनी पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं, जो बच्चे अभी तक अपनी पढ़ाई को शुरू नहीं किए हैं, और जो बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं लेकिन उनको रिविजन करना है, और दूसरे तीसरे टाइप के सबसे डेंजरस बच्चे जो बीच में लटके पड़े हैं, जिन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है, दे जस्ट लॉस्ट ट्रैक ऑफ देयर स्टडीज, तो बच्चों आप लोग घबराइए मत. आप सभी के लिए हम लेके आए हैं सारथी बैच, बी पर्सोनिफाइड आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है सारथी बैच. सारथी बैच एक ऐसा बैच है जो 15 जनवरी से पहले तो शुरू होगा. यू शुड नो द टाइमिंग्स. 15 फरवरी, एक्चुअली नॉट जनवरी, इट्स नॉट जनवरी बच्चा, इट्स फरवरी. 15 फरवरी से आपका ये बैच शुरू होने वाला है ना. और इस बैच में आपको क्या मिलेंगे बच्चा, इस बैच में आपको ना कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो बच्चे अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं कर पाए हैं वो इस बैच को ज्वाइन करें, बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे. 15 फरवरी से आपका बैच शुरू होने वाला है बच्चों. दूसरी बात, इस बैच में ना आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा. जैसे आप यहाँ पर 50 क्वेश्चन में ही अपने आप को नाप तोल कर पा रहे हो, तो वहां पर आपको 150-300 क्वेश्चन मिला करेंगे पर चैप्टर, ठीक है. 300 क्वेश्चन अराउंड आपको पर चैप्टर मिलेंगे, वो भी लेवल वाइज, इजी टू हार्ड लेवल, ठीक है. और साथ में बच्चे आपको क्या मिलेंगी, वहां पे फैकल्टीज प्रोवाइड होंगी, वो भी
सीनियर फैकल्टीज जिन्होंने AIR 1 दिया है पास्ट इयर्स में, और बच्चा वहां पे आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होंगी ताकि आप समझ पाए, देख पाए और जज कर पाए कि आपकी तैयारी अभी किस बेसिस पर चल रही है, और उसी बेसिस पर आपको गाइडेंस मिलेगी, उसी बेसिस पर आपको गाइडेंस मिलेगी कि अब आपको कैसे आगे पढ़ना है। और जब आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा तो आपको मोटिवेशन भी हम ही देने वाले हैं। तो इसीलिए बच्चों बिना सोचे समझे आप इस बैच में अपना एनरोलमेंट करवाइए, अगर आप सीरियस है अपनी तैयारी को लेकर, और अगर आप लड़ रहे हैं फॉर दैट AIR 1 सीट, तो आप अपना एनरोलमेंट स्क्रीन पर कुछ दिए गए नंबरों पर कॉल करके करवा सकते हैं, या फिर विजिट कर सकते हैं हमारी बी पर्सोनिफाइड की वेबसाइट पर। बी पर्सोनिफाइड की वेबसाइट पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आगे बच्चा बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पे। इफ अ मैन फ्रॉम सी कोस्ट ऑफ मुंबई गोज टू माउंट एवरेस्ट, देन उसकी ब्रीथिंग रेट के साथ क्या होने वाला है? हिज ब्रीथिंग रेट एंड हार्ट विल इंक्रीज, His breathing rate and heartbeat will decrease. His breathing rate will increase, but heartbeat will decrease. Or his breathing rate will decrease, but heartbeat will increase. तो क्या होगा बच्चा बताइए, ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट के साथ क्या होने वाला है? 10 सेकेंड का टाइम लीजिए और जाइए बच्चा कॉमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। 1, 2, 3 या 4 ऐसे करके नंबर डालिए ताकि मुझे बाद में पता लगे क्योंकि कौन सा बच्चा टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा था और कौन सा नहीं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, योर 10 सेकेंड टाइम इज अप नाउ। तो चलिए बच्चा आगे बात कर रहे हैं, सही आंसर है फर्स्ट वाला। अगर एक इंसान मुंबई से, मुंबई मतलब किसी प्लेन एरिया से एवरेस्ट वाले एरिया में जाता है, यानी कि माउंटेन्स में, अब माउंट एवरेस्ट तो बहुत ज्यादा ही माउंटेन्स बोल दिया मैंने, किसी भी माउंटेन्स में जाता है, तो उसकी बच्चा ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट दोनों ही इंक्रीज हो जाती है। ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट दोनों ही इंक्रीज हो जाती है अगर एक पर्सन जो है वो प्लेन से अपहिल में जाएगा। ऐसा क्यों होता है बच्चा? क्योंकि ऊपर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन विल गेट रिड्यूस्ड, तो उस ऑक्सीजन को प्रॉपर पाने के लिए बॉडी ज्यादा से ज्यादा ब्रीद करने की कोशिश करती है, सो दैट एनवायरमेंट में से ज्यादा ऑक्सीजन को वो ले पाए। इसलिए बॉडी जो है वो ब्रीद करने की क्या करती है बच्चा, कोशिश करती है। तो इससे क्या होता है, ऊपर जाते वक्त यानी कि जब हम लोग माउंटेन्स की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या होगा बच्चा, हार्ट बीट विल एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज प्लस योर ब्रीदिंग रेट, और हार्ट बीट भी इंक्रीज होगी क्योंकि ज्यादा ब्लड फ्लो करवाना चाहता है हार्ट ताकि हमें ज्यादा क्या मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, तो बच्चा इस तरीके से जो है हमारी हार्ट बीट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बच्चों मुंबई से जब कोई इंसान माउंटेन्स की तरफ जाएगा तब क्या होता है, तब उसका ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट दोनों बढ़ जाते हैं, बिकॉज माउंटेन्स वाली साइड पर क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो बॉडी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो एनवायरमेंट से उसको मिल पाए, और हार्ट रेट भी चाहता है बढ़ जाए क्योंकि हार्ट विल वॉन्ट कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो हो पाए, है ना। तो ब्लड फ्लो इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो, आपका क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन कॉम्पनसेट करने के लिए, ऑक्सीजन बॉडी की कॉम्पनसेट करने के लिए क्या होता है बच्चा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। तो चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ, ऑप्शन आर बच्चा मैमल्स, मलस्क, अर्थवॉर्म और आर्थ reports. Take your 10 second time and answer it. चलिए बच्चा अपना 10 second का time लीजिए और ठीक से जवाब दीजिए। All right students, I hope आप सभी लोग जवाब दे रहे हैं ठीक से, and your 10 seconds time is up now. So book lungs are respiratory organs of. So sorry for disturbing you in between. बट आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग, इस टाइम पे जो आपका लेक्चर चल रहा है, इफ यू वॉन्ट दिस काइंड ऑफ लेक्चर जहां पे आपके ये जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको वहां पर लाइव पढ़ाएंगे, आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, हर हफ्ते आपके टेस्ट भी लेंगे, आपको क्विजेस भी देंगे, आपको पीडीएफ नोट्स भी देंगे, हर एक चीज देंगे जो आपकी प्रिपरेशन के लिए एसेंशियल है, एंड वो सारी सारी चीजें आपको मिलेंगी सारथी बैच के अंदर। इफ यू वॉन्ट टू एनरोल सारथी बैच, नंबर जहां पर स्क्रॉल हो रहे हैं, कॉल अस नाउ एंड बुक योर स्लॉट नाउ बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड। सो एंजॉय लेक्चर।
तो आपका बच्चा सही आंसर आएगा, आपका सही आंसर आएगा आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। देखिए ये रहा बच्चा आपका एक आर्थ्रोपोड, ये एक आपका आर्थ्रोपोड है, यहाँ पर आपके बुक लंग्स प्रेजेंट है। ये देखिए इसको अगर जूम इन करके देखेंगे तो ये रहा बच्चा आपका बुक लंग, ये जो येलोइश स्ट्रक्चर है इसे आप बुक लंग कह रहे हैं। ये वो स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है आर्थ्रोपोड्स में। देखिए एयर फ्लोइंग इन थ्रू दीज स्पाइरेकल्स, ये जो यहाँ पर आपको लार्ज शेप्स दिख रही है बच्चा, ये स्पाइरेकल्स हैं, और यहीं पर जो आपकी एयर है ये मूव करती है, यानी कि आपकी रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग यहाँ पर हो रही है। आर्थ्रोपोड्स में बच्चा आपको पता है कॉकरोच आता है, आर्थ्रोपोड्स में कॉकरोच आता है। उसके अलावा बच्चा आर्थ्रोपोड्स में क्या आते हैं, स्पाइडर्स आते हैं, राइट। आपके आर्थ्रोपोड्स में प्रॉन्स आते हैं, ये सारी चीजें आपके आर्थ्रोपोड्स में आती है, सच एज योर बटरफ्लाइज। तो मोटा मोटा कहें तो आर्थ्रोपोड्स में आपके इंसेक्ट्स आते हैं। तो इंसेक्ट्स के पास क्या होती है, बुक लंग्स होती है, क्या करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए। आगे बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34th क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाहता है दैट लंग लोब्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर टू लेफ्ट एंड थ्री राइट, थ्री इन ईच, टू इन ईच, या फिर थ्री लेफ्ट एंड टू राइट। टेक योर 10 सेकेंड का टाइम बच्चा एंड आंसर दिस क्वेश्चन। अपना 10 सेकेंड का टाइम लीजिए और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये बच्चा हम एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी वीडियो में, तो चलिए बच्चा इसका आंसर देखते हैं फिर, वो बच्चों के लिए जो अटेंटिवली वीडियो देख रहे हैं। द राइट आंसर इज बच्चा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज टू इन लेफ्ट एंड थ्री इन राइट। देखिए बच्चा ये है आपका राइट लोब, ये क्या है बच्चा आपका राइट वाला लोब है, और ये बच्चा आपका कौन सा वाला लोब है, लेफ्ट वाला लोब है। तो राइट वाले लोब में बच्चा देखिए कितने हैं, देख रहे हैं आप लेफ्ट राइट वाले लोब में कितने हैं बच्चा, लेफ्ट वाले लोब में है आपके टू, और 1 सेकेंड बच्चा तो बच्चे आपके राइट वाले लोब में कितने हैं, आपके थ्री लोब्स हैं। जो राइट वाला आपका लंग का लोब है इसमें बच्चा थ्री क्या है, थ्री ऐसे करके पार्टीशंस है। इसको आप सुपीरियर लोब कहेंगे, इसे आप कहेंगे मिडल लोब, और इसे कहेंगे इंफीरियर लोब, ठीक है। और जो आपका लेफ्ट वाला लोब है इसमें दो ही लोब्स हैं, एक है सुपीरियर लोब, ये रहा बच्चा, और एक है बच्चा कौन सा लोब, इंफीरियर लोब। तो ये जो बच्चे हैं आपके लोब्स, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। राइट लोब में कितने, तीन, और लेफ्ट लोब में दो लोब्स, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इफ टीएलसी इज 5500 ml, आईआरवी इज 2950 ml, ईआरवी इज 900 ml, एंड टीवी इज 500 ml, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आरवी। चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा न्यूमेरिकल है तो टाइम आपको थोड़ा ज्यादा देंगे इसमें, 10 सेकंड का तो नहीं, थोड़ा सा ज्यादा टाइम मैं दूंगी आपको। करिए बच्चा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए टीएलसी का, तो उससे आप निकाल सकते हैं आरवी। चलिए स्टूडेंट्स टाइम इज अप नाउ, अभी तक कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। सही आंसर आएगा बच्चा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज 1150 ml। अब बच्चा निकालना कैसे है, आप जानते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी बताई हुई है मैंने, तो टोटल अमाउंट ऑफ एयर यू कैन हैव इन योर लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो बच्चा रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा से रहता है ना, हमेशा से रहता है लंग्स में। ईआरवी जो आपने फोर्सफुली हवा बाहर निकाली थी, वो भी तो अंदर लोगे ना आप, तो ईआरवी आपने जो फोर्सफुली हवा अंदर ले ली वो अंदर ही रहेगी आईआरवी, और जो नॉर्मल कंडीशंस में हवा अंदर ले जाती है दैट इज टीवी। तो तीनों का जब हम चारों का प्लस कर देंगे तो टीएलसी आ जाएगा। तो क्वेश्चन में एक्चुअली हमें पूछा क्या गया है, हमें आरवी पूछा गया है। तो क्या करना है, आरवी का फॉर्मूला टीएलसी माइनस आपका ईआरवी माइनस आपका आईआरवी और आपका माइनस क्या होगा टीवी इज इक्वल्स टू आरवी। तो टीएलसी कितना है 5500 ml, ईआरवी कितना है स्टूडेंट्स आपका 900 ml, आईआरवी कितना है 2950 ml, और आरवी और टीवी कितना है, टीवी आपका है 500 ml। निकालना है आरवी, तो कैलकुलेशंस करके बच्चा 1150 ml जो है आपका सही आंसर आ जाना चाहिए, और आ जाएगा या आ गया होगा। तो चलिए बच्चा आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ मूव करते हैं। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपैंड्स नो इफेक्ट कॉइल्ड लाइक स्ट्रिंग, मतलब इंस्पिरेशन करने के टाइम पे जो डायफ्राम की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सपैंड करती हैं, कोई इफेक्ट नहीं होता है उनके ऊपर, या फिर वो स्ट्रिंग की तरह कॉइल हो जाती हैं। टेक योर 10 सेकेंड टाइम, इट्स वेरी इजी बच्चा। जो बेसिक मैकेनिज्म होता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का, उसका ये क्वेश्चन है।
आई होप आप लोगों को ये आता हो. ऑल राइट बच्चों, 10 सेकेंड टाइम इज अप नाउ. तो बच्चा 36th क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं. अब क्या होगा, 36th क्वेश्चन का आंसर होगा एक्सपैंड्स. आपके जो डायाफ्राम है बच्चा, आपका जो डायाफ्राम है वो क्या करता है, वो एक्सपैंड करेगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. देखिए स्टूडेंट्स, आपको हवा अंदर लेनी है. हवा अंदर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायाफ्राम को एक्सपैंड करवाना पड़ेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा. डायाफ्राम को ओरिजिनल शेप ऐसा होता है. आफ्टर एक्सपेंशन, आफ्टर एक्सपेंशन ये शेप फ्लैट हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है आपका डायाफ्राम. ठीक है, और ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है. तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे आपका जो डोम शेप्ड डायाफ्राम है बच्चा, वो कैसा हो जाता है, फ्लैटेंड. इससे क्या होता है बच्चों, इससे वॉल्यूम इंक्रीज होता है, थोरासिक वॉल्यूम इससे इंक्रीज होता है, तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है. कौन सा वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम. अब आपको पता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर और वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड. तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा बच्चा, प्रेशर डिक्रीज होगा. कौन सा प्रेशर, अगेन पल्मोनरी प्रेशर. और आप जानते हैं ये लॉ वैलिड है कब, ये लॉ तब वैलिड है जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो. और हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस के कारण टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसीलिए ये लॉ वैलिड रहता है. तो वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम होगा. और आपको पता है एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. तो अंदर अगर प्रेशर कम होगा तभी बाहर से हवा अंदर आएगी ना, तो इनहेलेशन होगा. तो ये चीज जो है, ये मैकेनिज्म जो है, ये मैकेनिज्म आपको आता होगा तो आप ये आंसर अच्छे से दे पाएंगे, नहीं आता होगा तो मैंने आपको समझा दिया है, अब आप आंसर दे पाएंगे. तो इसीलिए बच्चा हमने जो आपके लिए टेस्ट सीरीज चलाई है, अश्वत मॉक टेस्ट सीरीज फॉर MNS, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है, बी पर्सोनिफाइड के थ्रू इनिशिएट की गई है. तो आप इसमें पार्टिसिपेट करके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं, या फिर ये क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं कि आपकी तैयारी एक्चुअली में कैसी चल रही है. तो बच्चा इसी के साथ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37. द टू ऑर्गेनिजम्स विच ब्रीद ओनली थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन आर फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म. फिश एंड फ्रॉग, लीच एंड अर्थवॉर्म, फिश एंड अर्थवॉर्म. चलिए स्टूडेंट्स आंसर दीजिए, टेक योर 10 सेकेंड टाइम एंड आंसर दिस. कम ऑन स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, क्योंकि एक मॉक टेस्ट है, यहाँ पे बनना आपका फर्ज है. सो 10 सेकेंड का टाइम खत्म हो गया है और हम लोग इस सवाल का जवाब देखने जा रहे हैं. तो जो बच्चे जवाब देकर आए हैं वो देखिए आपका जवाब सही है कि गलत. तो लीच एंड अर्थवॉर्म ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही है बच्चा. लीच एंड अर्थवॉर्म, जो लीच है बच्चा वो प्लेटीहेलमिंथस का क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है. जो आपके प्लेटीहेलमिंथस होते हैं, यानी कि जो आपके कौन होते हैं बच्चा, फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, जो आपके फ्लैट वॉर्म्स होते हैं. और अर्थवॉर्म बच्चा आपको पता है एनालिट्स का पार्ट है. एनालिट्स का जो ऑर्गेनिज्म है अर्थवॉर्म, ये दो ऐसे ऑर्गेनिज्म है बच्चा जिसमें सिर्फ मॉइस्ट क्यूटिकल या फिर मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्या होती है, आपकी रेस्पिरेशन होती है. ये लोग सिर्फ मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीद कर सकते हैं. और इसमें जो एग्जांपल आएगी वो आएगी लीच एंड अर्थवॉर्म, सो ऑप्शन नंबर 3. बाकी के ऑप्शंस में बच्चा उनके पास और भी ऑर्गन्स होते हैं टू रेस्पायर. ठीक है, और वो कौन से ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर एनिमल किंगडम. आगे बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑर्गन लाइज इन थोरासिक कैविटी, हार्ट, लंग्स, पैंक्रियाज या बोथ 1 एंड 2. चलिए बच्चा इसका सही जवाब देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है. आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है बच्चों. कुछ क्वेश्चंस जो स्लाइड में रिपीट हो रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो विच ऑर्गन लाइज इन थोरासिक कैविटी बच्चा, आपको पता है आंसर इज गोइंग टू बी योर 4th ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2. ये रही बच्चा थोरासिक कैविटी, ये रही थोरासिक कैविटी. इसे बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, नीचे है एब्डोमिनल, ऊपर है थोरासिक. तो आप जानते हैं ये वो जगह है जहां पर आपके लंग्स प्लस आपका हार्ट दोनों ही सिचुएट करते हैं. सो ऑप्शन डी विड बी योर करेक्ट आंसर. उसके बाद बच्चा आप चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ. लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, द एल्वियोली, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन बिकॉज ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. चलिए बच्चा टेक योर 10 सेकेंड टाइम एंड आंसर दिस क्वेश्चन. टेक योर 10 सेकेंड टाइम स्टूडेंट्स एंड आंसर दिस क्वेश्चन. आई होप बच्चों आप लोग सभी जवाब दे रहे हैं. आई होप आप लोग सभी बच्चे ठीक से पार्टिसिपेट कर रहे हैं मॉक टेस्ट में.
तो 39 क्वेश्चन का देखिए जरा जवाब क्या रहेगा। जवाब रहेगा बच्चा रेजिडुअल वॉल्यूम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है बच्चा? रेजिडुअल वॉल्यूम वो अमाउंट होता है जो लंग्स में हमेशा रहता है, चाहे आप कितनी ही मर्जी जोर से एक्सहेल कर दो, आप जितनी मर्जी जोर से सांस छोड़ दो, आपके लंग्स में कुछ हवा का हिस्सा हमेशा रह जाएगा, उसे आप रेजिडुअल वॉल्यूम कहोगे, है ना, क्योंकि वो जरूरी रहता है ताकि लंग्स कोलैप्स ना कर जाए। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि लंग्स जो है वो एयर फिल्ड सैक से होते हैं, अब अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपिरेशन करोगे तो कोलैप्स क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या उसके अंदर ऐसा रह जाता है? तो आंसर रहेगा बच्चा रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम। बाकी की जो तीनों चीजें है ना, दे विल एक्सपेल आउट ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपीरेशन, ठीक है, ये क्या होंगे बच्चा, बाहर निकल जाएंगे ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपीरेशन। आगे बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40। नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। ऑप्शंस आर एस्थमा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस या फिर एम्फाइसीमा। लीजिए बच्चा 10 सेकंड का टाइम और इसका जवाब दीजिए। डिसऑर्डर वाले पार्ट से ये क्वेश्चन है, ठीक है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत ज्यादा, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं यू मे हैव कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन समवेयर। देखिए बच्चा 10 सेकंड का टाइम खत्म हो चुका है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आएगा बच्चा ऑप्शन नंबर फोर्थ, नोन एज योर एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है बच्चा? ये एक डिसऑर्डर होता है। इसके बारे में ना दो बातें आपने याद रखनी है, एक तो ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है यानी कि धीरे धीरे होता है ना, एक तो ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, स्लोली होता है, स्लोली, एकदम से नहीं कि कल सिगरेट फूकी और आज क्रॉनिक डिसऑर्डर हो गया। ये मतलब होता है आप ईयर्स टू ईयर सिगरेट स्मोक कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज्यादा हैवी सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं। तो सेकेंड क्या रहेगा इसमें याद आपका? सिगरेट का स्मोक। आप सिगरेट जब स्मोक करेंगे, कोई भी आपके आसपास बड़ा बुजुर्ग, तो उसको ये एम्फाइसीमा होगा, या फिर छोटा भी करेगा तो भी होगा। तो देखिए बच्चा इसमें होता क्या है, ये आपकी नॉर्मल एल्वियोली है, देखिए ये आपकी पिंकिश थी नॉर्मल एल्वियोली है, कितनी ज्यादा हेल्दी दिख रही है, और ये आपकी डैमेज्ड एल्वियोली है जिसे एम्फाइसीमा हो चुका है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें एम्फाइसीमा में ना एल्वियोली की वॉल्स डैमेज हो जाती है। तो कई बार ना सिम्टम बेस्ड क्वेश्चन भी आता है कि एक्चुअली एम्फाइसीमा में होता क्या है, तो एल्वियोली की जो वॉल है बच्चा वो क्या हो जाती है, वो डैमेज्ड हो जाती है ड्यूरिंग योर एम्फाइसीमा डिजीज। आगे बच्चा बात करते हैं, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, रिलीजेस बाय कार्बोनेट आयंस बाय द लिवर और रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो चलिए बच्चा इसका 10 सेकंड का टाइम लेकर आप प्लीज जवाब दीजिए। ये ना बच्चा मैं आपको हिंट दे दूं जरा, चलो 5 सेकंड बाद देती हूँ हिंट। आंसर है आपका सेकंड, डिक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। देखो बच्चा ध्यान से सुनेंगे, इन्होंने बोला है पीएच डिक्रीज कर रहा है, पीएच क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पीएच क्या होता है बच्चा, पीएच क्या होता है, पीएच होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन्स। अब जितना ज्यादा एच पॉजिटिव आयन होगा उतना कम क्या होगा, क्या होगा बच्चा, पीएच। तो पीएच अगर रिड्यूस हुआ तो यानी कि एच पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो जाएगा, और जब एच पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो जाएगा तो कौन सा शिफ्ट आएगा बच्चा, राइट शिफ्ट आएगा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में कौन सा शिफ्ट आएगा, राइट शिफ्ट। देखिए ऐसे करके शिफ्ट कर जाएगा, ये राइट शिफ्ट कर जाएगा और ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद दी हीमोग्लोबिन। और यहां पर और क्या क्या हो सकता है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ गया तब भी, एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तब भी, 2-3 DPG बढ़ा तब भी, और टेम्परेचर बढ़ा तब भी राइट शिफ्ट आएगा, और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट वाले शिफ्ट जो है चला जाएगा, और आपका जो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन है इट विल डिक्रीजेस। सो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी योर करेक्ट आंसर। अगला बच्चा क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स व्हिच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल, देयर इज अ पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर और प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए बच्चा 10 सेकंड का टाइम लीजिए और इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा और ट्रिकी कह सकते हैं, बट क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको आना चाहिए, यू मस्ट हैव क्रॉस दिस क्वेश्चन इन योर प्रिपरेशन जर्नी। उसके अलावा बच्चों
आप लोगों ने तैयारी अगर अब तक नहीं करी है और ये क्वेश्चन सब सर के ऊपर से जा रहे हैं, तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, सारथी बैच आप लोगों के लिए बेस्ट स्टॉप है। सारथी बैच जो है आप लोगों के लिए बेस्ट स्टॉप है। यहाँ पर आपको फैकल्टीज मिलेंगी फॉर कंप्लीटिंग होल सिलेबस। ये बैच जो है बच्चा, ये 15th of February से स्टार्ट होने वाला है। 15th of February से स्टार्ट होने वाला है। एक्सपीरियंस्ड बच्चा फैकल्टीज मिलेंगी, हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को डेप्थ में करवाया जाएगा, पहली बात तो। और दूसरी बात, आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको टेस्ट सीरीज बच्चा यहाँ पर क्या होगी, प्रोवाइड होगी। टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड होगी, क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड होगा, आपको गाइडेंस प्रोवाइड होगी बच्चा, आपको गाइडेंस प्रोवाइड होगी। तो बहुत सारे जो है फीचर्स आपको सारथी बैच में देखने को मिलेंगे। सारथी बैच में आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 15 February से ये स्टार्ट होने वाला है। स्क्रीन पर नंबर स्क्रोल कर रहे होंगे, वहां पर आप कॉल करके अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो चलिए बच्चा, हम लोग क्या करेंगे, अब जवाब की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है, देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, आई गेस वो आपका सही आंसर है। सो ये आपका सही आंसर रहेगा बच्चा। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि हम लोग जब बहुत जोर से एक्सहेल करते हैं, एक्सपेल कर देते हैं हवा को बाहर, तो भी आपके लंग्स कोलैप्स नहीं करते, आरवी की वजह से, रेजिडुअल वॉल्यूम की वजह से। और इसके अलावा दूसरा आंसर क्या आएगा इसका, कि जो इंट्रा प्लूरल, मतलब बच्चा जो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या रहेगा, एक नेगेटिव प्रेशर रहेगा जो लंग की वॉल्स को अपनी तरफ पुल करके रखेगा। पुलिंग प्रेशर नेगेटिव प्रेशर होता है, तो पुलिंग प्रेशर रहेगा ये जो लंग्स को क्या करके रखेगा, कनेक्ट करके रखेगा और उनको क्या नहीं होने देगा, कोलैप्स नहीं होने देगा। उसके अलावा बाकी ऑप्शंस की बात की जाए तो नेगेटिव प्रेशर तो है बच्चा, नेगेटिव प्रेशर तो है, पर यहाँ पर इंट्राप्लूरल या फिर पुलिंग जैसा कोई वर्ड नहीं है, तो ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं रहेगा। पॉजिटिव प्रेशर तो बिल्कुल नहीं है बच्चा, और जो प्रेशर है वो लंग्स का हायर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नो स्टूडेंट्स, क्योंकि वो लोअर भी तो होता है ना, लोअर भी तो होता है इंस्पिरेशन के टाइम पर, तो हमेशा तो हायर नहीं रहता है, तो इसीलिए ये आंसर भी आपका नहीं होगा। चलिए बच्चा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आरवियोली ऑफ द लंग्स इज, योर ऑप्शंस आर इक्वल टू दैट इन द ब्लड, मोर देन दैट इन द ब्लड, लेस देन दैट इन द ब्लड, और लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। टेन योर 10 second टाइम बच्चा, टेक योर 10 second टाइम एंड आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए बच्चा, गो। तो चलिए बच्चा इसका आंसर देख लेते हैं। पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वियोली में कहां के कंपैरिजन में, ब्लड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है या कम होता है। ऑप्शन है बच्चा मोर देन दैट इन ब्लड, आपके लंग्स में आपका जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन योर लंग्स इज मोर देन दैट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन योर ब्लड, तभी तो लंग्स में से जो है ब्लड में ऑक्सीजन जाएगी, क्योंकि हायर टू लोअर जाती है ना, तभी तो ऑक्सीजन यहाँ पर जा पाएगी। तो देखिए टेबल देखिए, रेस्पिरेटरी गैस है ऑक्सीजन और CO2, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 159 है, ये सारे के सारे MmHg में है। MmHg में क्या है, आपके पार्शियल प्रेशर्स हैं, आपके पार्शियल प्रेशर से बच्चा कहाँ पे, MmHg में। सो एटमॉस्फेरिक एयर में 159 है और CO2 0.3% है। आरवियोली का पार्शियल प्रेशर 104 है ऑक्सीजन में, और कहाँ पूछा है बच्चा, ब्लड में पूछा है 95 है, तो कम है ना एल्वियोली से, और डीऑक्सी में तो 40 है और भी ज्यादा कम है, टिश्यूज में 40 है वहां से भी कम है, तो सबसे ज्यादा एल्वियोली में ही होती है, क्योंकि ऑक्सीजन एल्वियोली से ही दूसरी जगह पे ट्रांसफर होने वाली होती है। तो इस तरीके से आपने टेबल लर्न करनी है, और इसमें से बच्चा कम से कम नहीं तो 5-6 क्वेश्चन तो बन जाएंगे, 5 to 6 क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे इजीली, और एग्जामिनर ये क्वेश्चन डाल देगा, देयर आर वेरी हाई चांसेस। तो टेबल आपको लर्न करके जानी ही जानी है, ठीक है। आगे बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वियोलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व्ड इन गैस एक्सचेंज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड ड्यू टू डैमेज इन द एल्वियोलर वॉल्स। एग्जांपल्स और योर ऑप्शंस, प्लूरिसी, एम्फाइसेमा, निमोनिया या फिर एस्थमा। इन्होंने बच्चा ऐसा डिजीज पूछा है जो एल्वियोलर वॉल्स को डैमेज करता है। 10 second का टाइम दीजिए, अभी पढ़ के आए हैं, पीछे हिंट दे दिया है बहुत बड़े, 2 महीने जाके सही से जवाब दीजिए। वीडियो के एंड पे आने वाले हैं इसलिए हिंट्स मिल रही है अब आपको, क्योंकि अब आप भी थक चुके होंगे अगर आप 1 go में मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और 1 go इज द बेस्ट वे टू गिव दिस मॉक टेस्ट बच्चों। प्लीज डोंट डू दिस कि आधा आज दिया आधा कल दिया, दिस इज नॉट हाउ इट इज मेंट टू बी। तो बताइए बच्चा, 10 second टाइम इज अप। बात करते हैं बच्चा, आंसर है हमारा एम्फाइसिमा। क्या क्वेश्चन है, एल्वियोलर ब्लड जो एल्वियोलर वॉल है, सॉरी एल्वियोलर जो आपकी वॉल है वो क्या हो जाती है,
डैमेज हो जाती है, एल्वियोलर वॉल आपकी डैमेज हो जाती है, किस डिजीज में बच्चा? एम्फाइसीमा डिजीज में। किस लिए होता है ये? किस लिए होता है? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। कैसा डिसऑर्डर है बच्चा? स्लो डिसऑर्डर है, स्लो डेथ भी इसको कह सकते हैं, इसलिए डिसऑर्डर का नाम है क्रॉनिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो बच्चा ये है आपका क्वेश्चन सही आंसर के साथ। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 45। पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द प्लेन्स टू एन एरिया एडजॉइनिंग रोहतांग पास अबाउट 6 months बैक, क्या होगा उनके साथ? Have more RBCs and their hemoglobin has a lower binding affinity to the oxygen, are not physically fit to play games like football, suffer from altitude sickness with symptoms like nausea, fatigue, etc., have the usual RBC count but their hemoglobin has very high binding affinity to oxygen. बड़ा ही बच्चा important, बड़ा ही tricky और बड़ा ही अच्छा question है। इसमें से ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं जो आपको सही लग रहे होंगे पर सही नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ रहे। की वर्ड्स हैं क्वेश्चन में कुछ, उनको ध्यान से देखिए। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दूंगी, जाकर जवाब दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपका 10 सेकंड का टाइम होता है अप, और आपका सही जवाब क्या है देख लेते हैं जरा। सही जवाब है बच्चा आपका, जिन बच्चों ने क्वेश्चन ए लिखा है, बहुत बढ़िया बच्चा, उनके पास क्या होता है, ज्यादा आरबीसीज होते हैं और हीमोग्लोबिन के साथ उनकी लोअर बाइंडिंग एफिनिटी हो जाती है। कैसे हो जाती है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चा? अब ना इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि एक इंसान है वो प्लेन्स में से रोहतांग पास जाके सिचुएट हो गया। रोहतांग पास मतलब कोई मनाली के पास जगह है, और कैसी है? माउंटेन है। अपने को मनाली शिमला से मतलब नहीं है, अपने को किससे मतलब है? अपने को मतलब है कि हाई ऑल्टीट्यूड पे पहुंच गए हैं, हायर ऑल्टीट्यूड पे पहुंच गए हैं, यानी कि ऊपर पहुंच गए, मतलब बहुत ऊपर नहीं, इतना ऊपर नहीं पहुंचाना था, हायर ऑल्टीट्यूड पर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो हायर ऑल्टीट्यूड पर पहुंच गए हैं तो क्या हुआ इंसान के साथ? पहली बात क्वेश्चन है कि आरबीसी काउंट ज्यादा है और हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी कम है। अब हमें पता है बच्चा ऊपर ऑक्सीजन की हो जाती है कमी, ऑक्सीजन की हो जाती है कमी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम होने की वजह से एफिनिटी कम हो जाती है ऑक्सीजन के साथ, जो है राइट शिफ्ट आ जाता है किसमें? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में। एफिनिटी कम हो जाती है ऑक्सीजन के साथ। अब बच्चा ऑक्सीजन के साथ अगर एफिनिटी कम है हीमोग्लोबिन की, तो बॉडी विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर आरबीसी, बॉडी विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर आरबीसी सो दैट ज्यादा हीमोग्लोबिन मिल सके और जो थोड़े बहुत ऑक्सीजन है उसको एटलीस्ट हीमोग्लोबिन की तो कमी ना पड़े। तो इसीलिए ज्यादा आरबीसी होता है उस पर्सन के ब्लड में और जो उसकी एफिनिटी है वो कम हो जाती है। अब बच्चा बाकी 3 ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। पहले ये तो बहुत ही फालतू सा ऑप्शन है कि वो बंदा फिजिकली फिट नहीं रहता फुटबॉल खेलने के लिए। आप जाइए मनाली में, 2 दिन बाद आप फुटबॉल खेलने लगेंगे, तो ये गलत है। सफर फ्रॉम ऑल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक नोजिया, फटीग, एक्सेट्रा, ये थोड़ा सही हो सकता है और बच्चों ने सही दिया भी होगा, क्योंकि जब आप जाते हैं ट्रैवल करते हैं शिमला मनाली लद्दाख की तरफ, तो क्या होता है बच्चा? नोजिया, थकावट जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं, तो ऑल्टीट्यूड उसको बोलते हैं। तो ये सही आंसर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि 6 months हो चुके हैं पर्सन को मूव करे हुए। ऊपर देखो क्वेश्चन में 6 महीने लिखा हुआ है कि नहीं, 6 महीने तक ऑल्टीट्यूड सिकनेस थोड़ी ना चलती रहेगी उसको, वो तो 1 दिन 2 दिन तक रहेगी ना, जब तक कि उसकी बॉडी क्या ना कर ले, अडेप्ट ना कर ले वहां पे। इसीलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा और ये तो करेंगे नहीं, इसको तो हम लोग मानेंगे भी नहीं। थर्ड जो बच्चे लिख कर आए कमेंट बॉक्स में, चलिए बच्चों कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने ट्राई किया, लेकिन 6 months की वजह से आप लोग थोड़ा पीछे रह गए, 6 महीना पीछे रह गए आप लोग अब, या फिर 6 महीना ज्यादा आगे चले गए आप लोग। फोर्थ देख लेते हैं बच्चा, यूजुअल आरबीसी काउंट है और हीमोग्लोबिन के साथ हाई बाइंडिंग एफिनिटी है। नहीं भाई, किस खुशी में, ऐसा कुछ नहीं है। यूजुअल आरबीसी तो ज्यादा आरबीसी होता है और बाइंडिंग भी कम हो जाती है। तो आगे बच्चा हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आएगा अब 46। टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन अ डाइनिंग टेबल, वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट स्कफिंग व्हाइल स्वालोइंग सम फूड, दिस स्कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ, ऑप्शंस आर डायाफ्राम, नेक, टंग और एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस। 10 सेकंड का टाइम है बच्चा, जाइए जाके जवाब दीजिए। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको आता होगा क्योंकि आप जो
चैप्टर पढ़ते हैं आपका डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन, उसका भी ये क्वेश्चन आ जाता है और ब्रीदिंग का भी। तो दो चैप्टर्स के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए इस क्वेश्चन में, दो चैप्टर का क्वेश्चन है ये, है ना। तो कॉन्सेप्ट दोनों चैप्टर से आ जाएगा। तो 10 सेकंड का टाइम बच्चों अप हो गया है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कि दो फ्रेंड्स इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं, है ना, राम और श्याम इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं। थोड़ी देर में क्या होता है, राम को एकदम खांसी शुरू हो जाती है क्योंकि उसको खाना घुटकने में दिक्कत हो रही है, और वो खाना जब घुटक रहा है उसे खांसी शुरू हो जा रही है। तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है? तो बच्चा आपको पता है जब आपकी फूड पाइप में खाना जा रहा होता है तो आपकी विंड पाइप उस टाइम बंद होती है, ताकि विंड पाइप में यानी कि हवा यानी कि ट्रेकिया में खाना ना घुस जाए। तो विंड पाइप को बंद करने के लिए एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है जिसे आप ढक्कन जैसा यानी कि फ्लैप, फ्लैप मतलब ढक्कन, बॉटल का ढक्कन होता है ना जिसे फ्लिप फ्लॉप कर सकते हो, तो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है किसका बना है? कार्टिलेज का, इसलिए कार्टिलेजिनियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर बच्चा प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस, ठीक है, याद रखेंगे बच्चा, इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस। ग्लॉटिस माने वहां से बच्चा आपकी ट्रेकिया शुरू हो जाएगी, आपकी ट्रेकिया शुरू हो जाएगी यानी कि आपकी हवा वाली पाइप में खाना नहीं जाना चाहिए वरना खांसी तो आएगी। तो ये जो एपिग्लॉटिस है बच्चा ये ढक देता है ग्लॉटिस को जब खाना खा रहे होते हैं। तो अगर ये एपिग्लॉटिस प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा तो खाना मतलब हवा वाली पाइप में चला गया है, इसीलिए खांसी शुरू हो गई पर्सन को। सो डायाफ्राम नेक और टंग नहीं होगा, एपिग्लॉटिस आपका सही जवाब होगा। आगे बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करने से पहले बच्चा मैं बता दूं आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, सारथी बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सारथी बैच बच्चा बी पर्सोनिफाइड स्टार्ट कर रहा है कब? 15 फरवरी से बच्चा आपका जो है सारथी बैच शुरू हो रहा है। 15 फरवरी से आपका जो है सारथी बैच बच्चा शुरू हो रहा है। इस बैच में बच्चा आपको बहुत सारी सर्विसेज या फिर बहुत सारी प्रिविलेजेस मिलेंगी। एक तो आपको मिलेंगे बच्चा फैकल्टीज, आपको मिलेंगी फैकल्टीज एक्सपीरियंस्ड AIR 1 देने वाली फैकल्टीज, और बच्चा उसके अलावा आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक जिसमें आपके लिए मोस्ट वॉन्टेड से लेकर हर एक टॉपिक को कवर कर रहे 150 से 300 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ चैप्टर इन योर MNS एग्जाम। उसके अलावा बच्चों आपको टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, टेस्ट सीरीज ताकि आप देख सके, जज कर सके आपकी तैयारी, और हम भी देख सके कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। उसी के साथ साथ बच्चों आपको मिलेंगी आपकी इन्हीं फैकल्टीज से गाइडेंस कि पढ़ना कैसे है, करना कैसे है, वो भी टाइम टू टाइम। उसके अलावा बच्चों आपको मिलेंगी यहाँ पर मोटिवेशन टू स्टडी। तो इतनी सारी चीजें आपको केवल एक बैच प्रोवाइड कर रहा है नोन एज योर सारथी बैच, 15 फरवरी से शुरू होने वाला है, हर एक बच्चे के लिए बेनिफिशियल है। एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट आउट देयर अनलेस और अंटिल यू गाइज आर प्रिपेयरिंग वेरी सीरियसली फॉर MNS एग्जाम। जो बच्चे एकदम वेलापंथी करने के लिए MNS पढ़ रहे हैं, MNS की तैयारी कर रहे हैं, वो तो इस बैच में ना आए, लेकिन जो डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं वेलकम टू दिस बैच, दैट इज नोन एज सारथी बैच। तो चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ के सुना दूं आपको। विच टू ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस यूजुअली टेंड टू अकर इन द प्लेन ड्वेलर्स व्हेन दे मूव टू हाई ऑल्टीट्यूड्स, यानी कि एक बंदा हाई ऑल्टीट्यूड में जा रहा है, चार ऑप्शन दी हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सी चीजें उस इंसान के साथ होने वाली हैं, तो उनका सेट बना के नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं, आपने वो ऑप्शंस में से आंसर टिक करना है। तो 10 सेकंड का आपको टाइम है उसके लिए, आप इस आंसर को जाकर टिक करके आइए कॉमेंट सेक्शन में, लिख कर आइए ए बी सी या डी। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नहीं है बच्चा, 1, 2, 3, 4 आपके सेट है, वहां से आपको चूज करना है। चलिए बच्चा 10 सेकंड का टाइम इज अप नाउ, देखते हैं क्या सीन है। आपका आंसर है बच्चा 2 एंड 3 आपका आंसर है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड या फिर इसको ऑल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं, जो आपका आंसर है। देखिए जरा 2 एंड 3 ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। पहले तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 एंड 3। 2 में इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, बिल्कुल बच्चा अभी बताया था ना आरबीसी में इंक्रीज आ जाता है, आरबीसी में इंक्रीज आ जाता है, राइट। साइज में कोई इंक्रीज नहीं आता है आरबीसी के, और इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, बिल्कुल बच्चा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, क्यों? ऑक्सीजन ज्यादा कंपनसेट या अकोमोडेट करने के लिए। थ्रोम्बोसाइट काउंट बच्चा मतलब प्लेटलेट्स का काउंट, तो नहीं बच्चा प्लेटलेट्स का काउंट नहीं बढ़ता है, तो ऑप्शन है इजिली आपका 2 एंड 3। बड़ा इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बच्चा आगे बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 48, द हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन फीटस हैज अ लोअर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ द एडल्ट, इट्स एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज सेम एज दैट ऑफ एन एडल्ट, हैज ओनली टू प्रोटीन सब यूनिट्स इंस्टेड ऑफ फोर, हैज अ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ एन एडल्ट. 10 सेकंड का टाइम लीजिए बच्चा, अच्छा क्वेश्चन है, जाके जवाब दीजिएगा. लेफ्ट आउट क्वेश्चन है, आप लोग छोड़ जाते हैं बहुत बार ये क्वेश्चन और आ जाता है, फिर आप सोचते हैं कि क्या ही हो गया हमारे साथ. सो द हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन फीटस, अब ये क्या पूछ रहे हैं कि जो इंसान का फीटस होता है यानी कि ह्यूमन फीटस होता है, उसका जो एचबी होता है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन को लेकर कैसी होती है अडल्ट्स के कंपैरिजन में, ज्यादा होती है, कम होती है, बराबर होती है कि क्या होती है? तो बच्चा ज्यादा होती है, हायर एफिनिटी होती है. देखिए ये लेफ्ट शिफ्ट देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये जो लेफ्ट शिफ्ट है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में, ये एसोसिएशन को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है. एसोसिएशन होता है इसका मतलब, ये बच्चा फीटस में हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, फीटस में हो रहा है, फीटल हार्ट में हो रहा है ह्यूमन के. तो यानी कि ऑक्सीजन के साथ उसकी एफिनिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अडल्ट. तो ऑप्शन बच्चा आपका जो सही रहेगा वो रहेगा फोर्थ ऑप्शन सही. ठीक है, सब यूनिट्स तो बच्चा इसमें भी चार ही होंगी ना, दो अल्फा और दो बीटा, है ना, एचबी के चार सब यूनिट्स होती है ना, दो अल्फा और दो बीटा, ये दोनों में होती है, ये फीटस में भी और अडल्ट में भी. सो ऑप्शन आएगा बच्चा इसका फोर्थ सही. आगे बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन. योर ऑप्शंस आर इंटेस्टाइन इन ह्यूमन, स्किन, किडनी और ब्रेन. चलिए बच्चा टेक योर 10 सेकंड टाइम एंड आंसर इट. जवाब दीजिए बच्चा. चलिए बच्चा पूछ रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा खराब होगा, तो बात करते हैं बच्चा कौन, ब्रेन. ब्रेन इज द कंट्रोल सिस्टम ऑफ योर बॉडी. देख रहे हैं बच्चा डायग्राम में, देखिए क्या हो रहा है डायग्राम के साथ, आपका ब्रेन के बाहर के ब्लू 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 नर्व्स आ गए ना, ब्रेन डैमेज हो रहा है. तो ऑक्सीजन अगर 5 से 10 मिनट भी ब्रेन को ना मिले ना, तो परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता है. 5 से 10 मिनट भी अगर ऑक्सीजन ब्रेन तक ना पहुंचे तो परमानेंट डैमेज हो जाता है ब्रेन को. तो ब्रेन विल बी द ऑर्गन जो सबसे पहले और सबसे बुरे तरीके से इफेक्ट होगा विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 50 बच्चा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर अश्वथ एमएनएस प्री मॉक टेस्ट सीरीज. Although much CO2 is carried in blood, yet blood does not become acidic because it is absorbed by the leukocyte. Blood buffers play an important role in CO2 transport. It combines with water to form H2CO3, which is neutralized by Na2CO3. It is continuously diffused through tissues and is not allowed to accumulate. Bacha, question thoda sa bada aur mushkil sa lag raha hai, par answer bada easy hai. To 10 seconds ka time lijiye aur jawab dijiye. Abhi aapki duvidha ko pare kar denge 10 second baad. जाइए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, हार नहीं माननी है. सो देखते हैं बच्चा ये क्या बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कितनी सारी आ रही है फिर भी ब्लड एसिडिक क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा बच्चा, बिकॉज ब्लड प्लेज बफर रोल. ब्लड जो है वो बफर का रोल प्ले करता है और इसीलिए जो CO2 जो एसिडिक कैरेक्टर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इतनी ज्यादा CO2 होने के बाद भी आपका जो ब्लड है वो एसिडिक नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्लड जो है वो क्या करता है बच्चा, बफर का रोल प्ले करता है. बस आपने बफर याद रखना है. बफर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बफर एक ऐसा मिक्सचर होता है जो क्या करता है, रेजिस्ट करता है एनी चेंज इन pH. मिक्सचर दैट रेजिस्ट्स, इट रेजिस्ट्स एनी change in pH. तो ब्लड जो है वो pH में डिफरेंस नहीं आने देता, ना ही pH को बढ़ने देगा ना ही कम होने देगा, यानी कि ना ही उसको alkaline होने देगा ना ही acidic होने देगा. तो सही ऑप्शन है बच्चा, ब्लड जो है वो बफर की तरह रोल प्ले करता है. सो आपका जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चा, जो लोग अभी तक मेरे साथ बने रहे यहाँ पर हमारे अश्वथ एमएनएस फ्री मॉक टेस्ट सीरीज में, ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट सीरीज लेकर मैं आने वाली हूँ इसी चैनल पर. तो हमारे बी पर्सोनिफाइड चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको अगली वीडियोस के जल्दी से जल्दी जो है नोटिफिकेशंस मिले. अपने फ्रेंड्स के साथ और जो लोग एमएनएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस समझ में आए हो, और बच्चों कोई कॉमेंट रह गया हो या फिर आपको कुछ समझ ना आया हो तो डू कॉमेंट. और सारथी बैच ज्वाइन करना ना भूलिएगा, सारथी बैच बच्चा ज्वाइन करना मत भूलिएगा. स्क्रीन पर नंबर स्क्रॉल कर रहे होंगे, कॉल कीजिए और सारथी बैच को ज्वाइन कीजिए. बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको बेनिफिट
एनरोलमेंट जरूर होगा। 15 फरवरी से पहले पहले अपना एनरोलमेंट करवाइए जाकर, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएंगे 15 फरवरी से। डोंट बी लेट बिकॉज यू गाइज आर ऑलरेडी वेरी लेट। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे बच्चा। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू।